दोस्तों आज के समय में डायबिटीज़ जो है वो एक आम बीमारी कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। पहले जहां ये बड़े बुजुर्गों में देखने को मिला करती थी, वहीं आजकल कम उम्र में बच्चे भी डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे जड़ से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, हाँ लेकिन सिर्फ लाइफस्टाइल और सही खानपान के जरिए इसे कंट्रोल में ज़रूर किया जा सकता है। इस बीमारी में मरीज़ का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगता है, जो शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप घरेलू उपायों की मदद ले सकते हैं। इन्हीं उपायों में तेज पत्ता भी शामिल है। ये डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो आइए जानते हैं डायबिटीज़ में तेज पत्ता के फ़ायदे और इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। भारतीय रसोई में दोस्तों तेज पत्ता जो है वो मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाता है बल्कि आपकी सेहत में भी कई प्रकार के लाभ पहुँचाता है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तेज पत्ते के सेवन से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। दरअसल इसमें पॉलीफेनॉल पाया जाता है जो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ ही शरीर में इंसुलिन के लेवल को संतुलित करने में भी मदद करता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। डायबिटीज़ में कैसे करें तेज पत्ते का सेवन? दोस्तों डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए तेज पत्ते का पानी का सेवन आप कर सकते हैं। इसके लिए आप एक पैन में एक गिलास गर्म पानी लें। अब इसमें दो से तीन तेज पत्ता डालकर करीब 5 मिनट तक आपको उसको उबालना है। इसके बाद इसे छानकर इस पानी को हल्का गुनगुना करके आपको पीना है। नियमित रूप से सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से ब्लड शुगर का जो लेवल है वह कंट्रोल करने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है।